प्रकाश इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रकाश के कारण हम क्या करते हैं? वस्तुओं में दिखाई देते हैं, ठीक ना? प्रकाश के कारण क्या होता है? वस्तुओं में दिखाई देते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की, ठीक ना? जो हमारी आंखों को क्या करती है? जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे देखिए, आप जब अंधेरे में होते हैं तो आपको वस्तु दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। लेकिन जैसे हम प्रकाश में होते हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश की परिभाषा कक्षा 10 के अनुसार सिर्फ यही है कि प्रकाश एक प्रकार है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है। उसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। मेन स्रोत क्या है? सूर्य। शम है, ठीक। सूर्य। अब बात करते हैं, सूरज में लगातार क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है, प्रकाश ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश ही ऊर्जा, प्रकाश दे रहा है। अब देखिए, अब ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में अच्छा, इसकी बात करें कुल सेकंड में बात करें 499 499 आप लोग बहुत जानकार हैं। 499 सेकंड, ठीक है? अब ये बात समझ में आ गई ना? यस सर। अच्छा, ये प्रकाश है, ठीक है, इसकी स्पीड क्या है, चाल क्या है इसकी? जी 3 × 10⁻²⁰ सेकंड। प्रकाश की चाल हर माध्यमों में अलग अलग है, निर्वात में केवल 3 × प्रकाश की चाल हर माध्यमों में क्या है? अलग अलग है। ये चीज जानते हो ना? यस सर। तो अगर हम प्रकाश की बात करें, ठीक है, तो प्रकाश जैसे वायु में उसकी चाल कुछ और है, द्रव में जाता है, मीडियम चेंज हुआ उसका, ठीक ना? उसकी स्पीड क्या होगी? अब मान लेते हैं, इसका मतलब पारदर्शी माध्यम होता है, मीडियम होता है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी का मतलब ये होता है जो मतलब इस प्रकाश जिसमें से प्रकाश का मेजर पार्ट अधिकांश भाग क्या करे? पार कर जा सके, पास हो जाए, पासेज हो जाए, अधिकांश भाग पास हो जाए, ठीक ना? उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं, अधिकांश भाग पारदर्शी। अब जिसमें से आंशिक भाग, आंशिक का मतलब क्या? माइनर पार्ट। आंशिक भाग जिसमें से क्या होते हैं? पासेज करते हैं, पास होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इतनी बात समझ में आई ना? अब अपारदर्शी की बात करें, जिन माध्यमों से कोई प्रकाश, जिन माध्यमों से अपारदर्शी की बात करें तो जिन माध्यमों से लकड़ी का गुप्ता हो गया, लोहा हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, दीवार हो गई, ये सब क्या है? इसमें से प्रकाश नहीं जाएगा। अब देखिए, प्रकाश जो है, ठीक है, प्रकाश के गुण है, ठीक है, प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, ठीक, वेव, इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, ठीक, हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब एक चुंबकीय तरंग, ठीक ना? इतनी बात समझ जाए, ठीक है। अब हम प्रकाश की बात करते हैं, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब हम लगभग मैं कह सकते हैं कितना? 4000 से 8000 बात समझ रहे हो ना? उसके बाद अब प्रकाश की वेग की बात करें हम, ठीक है, प्रकाश के वेग की बात करें, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁻¹⁰ सेकंड।
सात तीन लाख किलोमीटर वैक्यूम में निर्वात में कितनी होती है? अर्थात 3 लाख किलोमीटर किलोमीटर की 3 लाख किलोमीटर की बात करें क्या होगा 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। अच्छा देखिए ये 3 मिलियन टन की पावर रेट है ना, किलोमीटर में बदले इसको तो क्या होगा, इसको कितने से भाग करते हैं हम, एक किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ इसको हम डिवाइड कर दे 10 की पावर 3 से। अब ये 10 की पावर 3 जाएगा ऊपर होगा कि जो पावर प्लस में है क्या हो जाएगी, माइनस पावर हो जाएगी। ये हो जाएगा कितना 10 की पावर -3 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर 5। कुल मिला किसको हम लिख सकते हैं क्या 3×10^8 × 10^-3। बात समझ रहे हो ना, इतना लिखेंगे। अब इस अब ये बताइए आप इतना होगा, अब ये बताइए बेस क्या है, इक्वल है। इक्वल जब जब बेस इक्वल होती है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, तब क्या हो जाएगा 3×10^5 किलोमीटर हो जाएगा पर सेकेंड। अर्थात हम बात करें इसी को हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये किसकी चाल आगी, प्रकाश निर्वात निर्वात अर्थात वैक्यूम। यस सर, बात समझ में, निर्वात की इंग्लिश होती है वैक्यूम। वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी आ गई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक। अब बात करते हैं भाई ये मीडियम है ठीक ना, निर्वात मतलब है निर्वात में। अब वायु की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, तो एयर में क्या होता है, धूल कण होते हैं। वायुमंडल में क्या होते हैं, धूल कण होते हैं, प्रदूषण होते हैं या अन्य गैसें विद्यमान होती हैं, ठीक ना। अब ये जो गैसें हैं ठीक ना, ये भी प्रकाश के मार्ग में क्या करेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे। अब जब ये अवरोध उत्पन्न करेंगे तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कुछ हल्का फुल्का धीमी, लेकिन ये कम होता है ठीक ना, ज्यादा कम नहीं होता है, नगण्य के बराबर मतलब हल्का होता है, इसलिए इसको हम अप्रॉक्सीमेट अर्थात लगभग वही मान लेते हैं, अर्थात लगभग।